Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of math magic. So let's continue. Question number 3. Writing figures. One number. 5 integer and 7 tenth. 5 integer and 7 tenth. इसमें आपको फिगर बतानी है. 5 इंटेजर बताया है, उसको पूर्णांक करेंगे और 7 लिखेंगे. 5.7 इंटेजर एंड 7 टेंथ 5.7. 2 नंबर 13 इंटेजर एंड 9 10. 13 integer and 9 tenth. 13.9. 13 बताए, 1 to 13 भी integer बताए, तो अपूर्णांक रखेंगे. 13 अपूर्णांक, फिर 9 लिखा है, 9 बताएंगे. 9 tenth. 13 integer and 9 10. 13.9. 3 number 18 integer and 1200. 18 integer and 1200. भी 18 लिखा है, इंटेजर है, पूर्णांक करेंगे और 12 लिखेंगे. 12 हंड्रेड्स लिखा है, 12 हंड्रेड्स. 18 इंटेजर एंड 12 हंड्रेड्स. 18.12. फोन नंबर 15 integer and 200s. 15 integer and 200s. 15.02. 200 से तो 02 लगाएंगे. 15 इंटेजर एंड 200 से 15.02. 5 नंबर 7 integer and 77 hundredths. 7 integer and 77 hundredths. 7 integer 7 लिखेंगे और 77 अपूर्णांक करके 77 hundredths. 7 integer and 77 hundred. 7.77. 6 number 7
हंड्रेड्स, सेवन हंड्रेड्स बताए हैं, तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन, सेवन हंड्रेड से तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन, सेवन हंड्रेड। सेवन नंबर सिक्सटी फोर हंड्रेड, सिक्सटी फोर हंड्रेड, सिक्सटी फोर हंड्रेड बताया है तो जीरो पॉइंट सिक्स फोर लिखेंगे, जीरो पॉइंट सिक्स फोर, सिक्सटी फोर हंड्रेड। नेक्स्ट नंबर में बताया है सेवन हंड्रेड, जीरो पॉइंट जीरो सेवन। सेवन नंबर में है सिक्सटी फोर हंड्रेड, जीरो पॉइंट सिक्स फोर, जीरो पॉइंट सिक्स फोर, सिक्सटी फोर हंड्रेड, जीरो पॉइंट सिक्स फोर। एट नंबर में दिया है वन इंटेजर एंड सिक्स टेंथ, वन इंटीजर एंड सिक्स टेंथ, टेंथ वन इंटीजर है वन पॉइंट सिक्स लिखेंगे, सिक्सटी टेन से तो वन पॉइंट सिक्स, वन अपूर्णांक सिक्स होता है। नाइन नंबर फोर इंटीजर सिक्स टेन, फोर इंटीजर सिक्स टेन, फोर इंटीजर लिखा है तो फोर पॉइंट सिक्स टेन, पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स आएगा, फोर पॉइंट सिक्स, फोर इंटीजर सिक्स टेंस, फोर पॉइंट सिक्स, ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटीजर थर्टीन हंड्रेड, ट्वेंटी इंटीजर थर्टीन हंड्रेड, ट्वेंटी गुणा थर्टीन, ट्वेंटी पॉइंट थर्टीन, ट्वेंटी इंटीजर थर्टीन हंड्रेड, ट्वेंटी पॉइंट थर्टीन, ट्वेंटी पॉइंट थर्टी। इसमें आपको बताया है ट्वेंटी इंटीजर थर्टीन हंड्रेड, ट्वेंटी पॉइंट थर्टी। इलेवन नंबर्स, एट हंड्रेड, एट
हंड्रेड से तो जीरो पॉइंट जीरो एट, 800 से तो 0.08, 12 नंबर, 58 हंड्रेड, 58 हंड्रेड, 58 हंड्रेड तो 0.58, 0.58, 0.58 होता है 58 हंड्रेड, 58 हंड्रेड 0.58। 13 नंबर, 15 इंटीजर 7 टेंथ, 15 इंटीजर 5800 दिया है, 5800 0.50, अब 15 इंटीजर 7 टेंथ, 15 इंटीजर 7 टेंथ 50.7, 50 इंटीजर से पूर्णांक आएगा, इंटीजर के बाद में 7 टेंथ है तो 7 लिखेंगे, 50.7, 50.7। 14 नंबर, 29 हंड्रेड, 29 हंड्रेड, 0.2900 से तो 0 लगेगा आगे, पॉइंट लगाएंगे, पूर्णांक लगाएंगे और 29 लिखेंगे, 2900 0.29, 2900 0.29। 15 नंबर, 600 600 0.06 आएगा, 600 से तो 0.06, 600 0.06। 16 नंबर, 3 इंटीजर 700, 3 इंटीजर 700, 3.07, 3.07, 3 इंटीजर 700, 3 इंटीजर 700, 3.07, 3.07, 3 इंटीजर 700 होता है,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अभी इसमें आपको स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर बताया है, देखो चारों की ओर है, सेम सेंटीमीटर का है, चारों लाइन एक है लेंथ उसकी, यानी 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो एक सेम होगी चारों सें 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. बी टू टू फोर होता है, 6 और 8, चारों की 8 हो गई. 2 2 मिलाएंगे तो 8 होती है, 8 सेंटीमीटर होती है, 8 सेंटीमीटर फिगर. 2 2 2 2 8 सेंटीमीटर. बी 2 नंबर में बताइए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है ये, देखो दोनों लाइन है वो सेम है और ये दोनों सेम है. ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 और 4 8 हो गए, 4 और 4 8, 2 और 2 4 और 8 में 4 8 करेंगे तो 12 होता है, 12 सेंटीमीटर. जैसे 4 4 8 10 और 2 12 12 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर. अभी नीचे आपको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में ए वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 3 4 सेंटीमीटर हो गए. अभी 2 और 3 5 हो गए, 5 और 4 9 सेंटीमीटर हो गए. 9 सेंटीमीटर लिखेंगे हम इसमें, 2 और 3 5 5 और 4 9 9 सेंटीमीटर. अब क्वाड्रिलेटर में 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और देने है वो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. अब ये 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो गए, 6 और 2 8 और 8 और 2 10 10 सेंटीमीटर आएगा. 2 2 4 हो गए और 3 3 6 हो गए, तो 6 और 4 10 होते हैं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर्स. जो 5 नंबर में आपको स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर लेंथ होती है उसकी, जो चारों बाजू एक सेम होती है. इसमें 3 सेंटीमीटर बताया है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. देखो इसमें 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हो गए 3 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12 कितने हो गए, 12 सेंटीमीटर होते हैं, 12 सेंटीमीटर.
अब इसमें देखो 6 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल बना हुआ है, 6 सेंटीमीटर है और इधर 6 सेंटीमीटर है, ये दोनों है वो 4 4 सेंटीमीटर है ब्रेथ। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 और 6 12 हो गए, 4 और 4 8 हो गए। अभी देखो अब 12 और 8 होते हैं 20 सेंटीमीटर होगा, 6 और 6 12 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 7 नंबर, 3 सेंटीमीटर बताया है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 6 और 4 होते हैं 10, 10 और 3 13, 6 4 10 3 13 सेंटीमीटर हो गए, 13 सेंटीमीटर। अभी इसमें 8 नंबर में है, ये दोनों देखो, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। अभी इसमें ये वाला है 2 सेंटीमीटर दिखाया है और इधर 3 सेंटीमीटर है, 2 और 3 5 हो गए और 4 9, 9 और 4 13, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर्स हुए। अभी नीचे 9 नंबर दिया है, इसमें इसमें आप देख रहे हो ये 2 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाला है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अभी 2 और 2 4 हो गए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 सेंटीमीटर होता है, 1 4 14 सेंटीमीटर, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 10 और 4 14 सेंटीमीटर्स। अभी 10 नंबर, इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर बताया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सब 5 5 सेंटीमीटर बताया आपको। इसमें 5 और 5 10 होते हैं, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25,
25 और 5 30, इधर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। देखो इधर आपने देखा 3, 6 और 4 उसका सेंटीमीटर टोटल करना है। 3, 6 और 4 को हम टोटल करेंगे उसका तो 30 सेंटीमीटर होगा। इधर 2, 3, 4, 4 2, 3, 4, 4 होगा तो 13 सेंटीमीटर होगा। काउंटिंग करेंगे तो 13 सेंटीमीटर होता है। 2, 3, 4, 4 13 सेंटीमीटर। अब इसमें है 2, 2, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 2 और 2 4 होते 7, 10, 4, 14, 1, 4, 14। अब इसमें 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 और 5, 5 5 10, 5 15, 20, 25 और 30, 30 सेंटीमीटर ऐसे करना है उसको, सेंटीमीटर काउंटिंग करके। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।